इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल मंडी, जहां शिक्षा और संस्कार साथ साथ दिए जाते हैं। मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को जैसे ही कोरोना एक्सक्लूसिव अस्पताल घोषित किया गया था, उसके हफ्ते भीतर के अंदर ही चंबा से यहां 4 कोरोना मरीजों को 7 अप्रैल के दिन लाया गया था। अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि इन 4 में से 3 मरीजों का कोरोना टेस्ट 11 अप्रैल के दिन नेगेटिव आया है और सिर्फ 1 मरीज है जो अभी भी पॉजिटिव है। 24 घंटे के बाद इनका दोबारा टेस्ट होगा और अगर इसमें भी ये नेगेटिव आते हैं तो इन तीनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज नेरचौक के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि इन 4 में से जो 1 मरीज पॉजिटिव आया है उसके अंदर संक्रमण ज़्यादा होगा, इसलिए वो अभी भी COVID-19 पॉजिटिव है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद मेडिकल कॉलेज नेरचौक के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। ये बताना चाहता हूँ कि 7 अप्रैल को तीसा चंबा से 4 पेशेंट हमारे पास यहाँ पर भेजे गए थे। ये सभी कोरोना पॉजिटिव थे। इनका जो पिछला टेस्ट था 6 अप्रैल को लिया गया था। कल हमने इनका सैंपल लेके टांडा रिपोर्ट करवाने के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट आ जाई है। इनमें से एक का टेस्ट अभी तक पॉजिटिव है, बाकियों का टेस्ट जो है नेगेटिव आया है। तो बाकियों का 24 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो 24 घंटे के बाद दोबारा नेगेटिव आता है तो इनको यहाँ से छुट्टी कर दी जाएगी, और जो जिसका टेस्ट पॉजिटिव है उसका 1 हफ्ते के बाद दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद और नेगेटिव आता है तो उसको भी छुट्टी कर दी जाएगी। हमें लगता है कि ये जो एक टेस्ट पॉजिटिव रह गया है तो हो सकता है इसका जो वायरल लोड था वो बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा हो। धीरे धीरे वायरल लोड कम होगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बाकी श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में हमारे पास पूरे इंतज़ाम है इस तरह के मरीजों से डील करने के लिए, और किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मरीज हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे जनता है, सबके लिए हमारे पास उपयुक्त सुरक्षा के साधन हैं। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।